नमस्कार, जी टीवी में आपका स्वागत है। अलीगढ़ के गांधी पार्क के प्रीमियर नगर में दबंगों ने फर्नीचर दुकान के कारोबारी पर एक गोलीबारी कर हमला बोल दिया। वहीं जहां फर्नीचर कारोबार के दोनों भाई एक साथ बैठे हुए थे दुकान पर, उसी समय कुछ दबंग किस्म के लोग आए और फायरिंग शुरू कर दी, जिससे क्षेत्र में काफी दहशत का माहौल फैल गया। वहीं इन फायरिंग करने वाले गिरोह से एक को पब्लिक ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है तथा शेष लोग फरार हो गए हैं। सारी मामला की जानकारी स्थानीय पुलिस को दे दी गई है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। अलीगढ़ से हमारे संवाददाता अजय कुमार की खास रिपोर्ट। कभी अपने भाइयों के माध्यम से, कभी अपने पिताजी के माध्यम से, कभी इनकी माताजी, जब भी हम कोई अगर काम करते हैं तो उस चीज में बीच में किसी न किसी को भेज के रोड़ा डालता है। फिर अगर किसी को फर्नीचर चाहिए होता है, हमारा फर्नीचर का काम है, फर्नीचर लेता है, 50,000 का बैठ रहा है तो 30,000 रुपये देता है। चल चुपचाप रख ले इसे, अभी तेरे से अभी चौथ और लूंगा, अभी तो चौथ रह गई है तेरी, उसमें कटेंगे पैसे तेरे। तो ये हमें शुरू से परेशान करता आ रहा है। और अगर लेबर कोई काम कर रही होती है तो उसको गाली देके भगा देता है वहां से। आज से करीब 7 साल पहले इसने मेरे पिताजी पे हाथ उठाना चाहा, तो मैं आगे आ गया, तो इसने मेरी पिटाई, अपने लड़कों के 4-5 लड़के थे, उन्होंने मेरी पिटाई करी। फिर उसके बाद में इसका एक जानने वाला आदमी था, उसने हमारे यहाँ से फर्नीचर लिया, उस पर पेमेंट रह गया, उससे पेमेंट मांगा। तो इस बात पे मेरा जो भाई जो टीचर है वो उस दिन मतलब नोएडा से यहाँ पे आया हुआ था, वो बैठा हुआ था, तो ये उसे खचेड़ता हुआ ले गया अपने प्लॉट में और वहां इसके साथ मारपीट करी बहुत। उसके बाद में गत ये हमने अभी सीसीटीवी कैमरे 29 मार्च को लगवाए हैं अपने यहाँ, इसी वजह से, क्योंकि 29 मार्च से पहले इसने करीब 20 मार्च को फिर बदतमीजी करी, बहुत बुरी बुरी गालियां दी और मारपीट करी। तो हमने 29 मार्च को अपने यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगवाए। फिर इसने 25 तारीख को फिर यही बदतमीजी करी अपने लड़कों से के साथ मिलके। तो हमने इसके लिए FIR दर्ज करा दी। FIR दर्ज करने के बाद में लेकिन प्रशासन की तरफ से हमें कोई भी सहूलियत नहीं मिल रही है, ना ही हमें कोई दरोगा या SO साहब हो, किसी से भी कोई मदद नहीं मिल रही है। और ये फ्री, बिल्कुल फ्री घूम रहा था। और उसके अगले दिन ये अपने माँ और बाप के साथ में प्लॉट में कम से कम 10-12 लड़कों को इकट्ठा करके प्लानिंग बना रहा, षड्यंत्र बना रहा था पूरा। ये हमने वीडियो पुलिस को भी दिखा दी लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन ना लेते हुए और ये फ्री घूम रहे हैं। ये जिस प्लॉट में ये बैठते हैं ये भी अवैध इनका कब्जा है, और ये लोग अवैध वसूली करके हम लोगों से, इसका छोटा भाई जो वकील है वो ब्याज पे पैसे उठाता है और ये उसकी गुंडागर्दी चलती है, इस वजह से वो वसूली भी करता है। क्या नाम है वकील साहब का? वकील साहब का नाम है नीरज यादव और इनके पिता का नाम है दूरबीन सिंह यादव और एक भाई है इसका अजय यादव। ये तीनों लोग जो हैं पूरे गली में गुंडागर्दी दिखाते हैं। और इसकी माँ हमें आके रास्ते में रोक के कहती है अपनी FIR वापस लो, नहीं तो मार भी देती है। फिर ये कल 10 तारीख को दोपहर में 2:30 बजे करीब, ये करीब 6 लड़के पिस्टल लगा के आए हैं और उन्होंने स्ट्रेट फायर किया है हमारे ऊपर। वो हम कैसे भी बच गए हैं और बचाव में हमने, इसने पहले सबसे पहले आके हमें सीसीटीवी कैमरे की जो टीवी लगी हुई है पहले वो तोड़ी है। उसको तोड़ने के बाद में फिर उसने अपना कट्टा निकालना चाहे, उससे पहले छोटे भाई ने उस पर डंडा मार दिया तो वो नीचे गिर गया। और लड़के हैं वो फिर फायर करते हुए, बिल्कुल स्ट्रेट फायर करते हुए, लेकिन ये हुआ कि मेरे बड़े भाई का पैर फिसल गया, वो नीचे गिर गए, नहीं तो उनके सीधे सीने में आके गोली लगती है। वो बाल बाल बचे हैं बिल्कुल। और हमें इस चीज के लिए प्रशासन से पूरी मदद चाहिए। और कल प्रशासन जो SI साहब हैं वो हमको साथ में FIR लिखाने के लिए ले गए, लेकिन वो अपनी मर्जी से लिखवा रहे हैं। हम इनके षड्यंत्रकारियों के नाम लिखवाना चाहते हैं क्योंकि इनके पिताजी पूरे तरीके से उसमें सहयोग करते हैं। और यूँ कहते हैं मैं अपने लड़के को नहीं रोक सकता किसी भी तरीके से। और उनकी हमारे पास वीडियो भी है कि वो लड़कों को इकट्ठा कर रहा है, षड्यंत्र बना रहा है, उसकी माँ साथ में बात कर रही है, उसमें उनके सारे फेस के एक्सप्रेशन और हाथ के इशारों से सब मालूम पड़ रहा है कि ऐसे ऐसे करना है। और पिताजी भी कुछ नहीं कह रहे हैं उसमें। और साथ में उनके जो वकील भाई है वो सरकारी वकील होने की वजह से पुलिस प्रशासन पर दबाव बना देता है किसी भी तरीके से, और कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है अभी तक। अच्छा, फायर करने से चोट किसको आई? चोट मेरे छोटे भाई को आई है, उसके दोनों घुटने में चोट लगी है और उसके हथेली में। अगर कार्रवाई नहीं करता है प्रशासन तब क्या करेंगे आप? हम तो अब कप्तान साहब के पास जा रहे हैं पूरी फैमिली को लेके, और क्या फैक्ट्री को, मकान को पूरा यहाँ से हमें तो बेच के जाना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग तो अब हमें मार के ही मानेंगे। हम तो सोच रहे हैं कि SP साहब के यहाँ जाके ही मरेंगे अब तो हम।
अब हमें अपने मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगानी है पूरे परिवार के साथ में। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अजय वाशमी है। अजय, ये बताओ ये फायर जो हुआ था तुम्हारे ऊपर कब हुआ था और क्यों हुआ था? ये कल की बात है, कल दोपहर करीब 2:45 बजे 6 लड़के आए थे, मैं और मेरे बड़े भाई गौरव गुप्ता शुरू पर बैठे हुए थे और वो आए थे तो उन्होंने पहले हमसे मारपीट की एक लड़के ने और फायर चलाया। हमने अपने बचाव में एक डंडा मारा, वो तो उस समय ही वहीं गिर गया। बचे हुए लड़के जो थे उन्होंने फायर करते हुए हमारे ऊपर, हमारे बड़े भाई के ऊपर फायर किया, वो उनके पास से गोली गई, वो हल्का सा सीने पे भी लग सकती थी और वो गोली मार के वहां से भागे हैं। इसमें हमने रिपोर्ट भी कराई है उनके खिलाफ और इसमें जो मेन आदमी है वो पंकज यादव है और उसके पिताजी हैं दुर्बीन सिंह यादव और उसका पूरा परिवार है जो उसको पूरा सपोर्ट कर रहा है पूरी तरीके से। और यहाँ तक कि हमने पहले भी FIR कराई थी, इसमें भी पुलिस प्रशासन उस पर कोई दबाव नहीं बना पा रहा है ना, या नहीं बनाना चाह रहा है। अब मेरी ये गुजारिश है प्रशासन से कि उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, या फिर क्या किया जाए कि हमें तो कोई एक मरेगा तभी कुछ प्रशासन कुछ करेगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ प्रशासन से, सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जब हमें से कोई मर जाएगा तब वो इस चीज को मानेंगे कि हाँ जी सामने वाले व्यक्ति इनको परेशान कर रहा है। और यहाँ तक कि लड़की के पास लोडेड गन मिली उसके पास और 2 फूके हुए कार्टून भी मिले हैं और उसके बावजूद भी पुलिस ये कह रही है कि हम देखेंगे करेंगे। नहीं, गन पुलिस की जो आप बात कर रहे हैं, क्या गन पुलिस को मिली है जो कार्टेज है? हाँ, वो पुलिस को मिली है, वो अपने साथ लेके भी गए हैं गन। हाँ, लेके गए अपने साथ में और उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं कि चलिए आप वहाँ पहुंचिए देखिए फिर हम अपने पुलिस वालों को भेजते हैं। मतलब यानी कि वो अभी भी हमारी बात को क्यों सुन रहे हैं, कार्रवाई कुछ नहीं कर रहे। अब मेरा उनसे यही सवाल है कि हम 4 भाई हैं वहाँ बैठते हैं, हम एक छोटे व्यापारी हैं, हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारा तो केवल काम करना है अपना। यानी कि हमें तो कोई मरेगा किसी को कुछ होगा तभी वो इस बात को बिलीव करेंगे कि हाँ जी सामने वाला बदमाश है उसने इनको मारा है, तब वो बदमाश माना जाएगा। यानी कि उसने सामने फायरिंग की है हमारे तो बदमाश नहीं है। और मैंने ये पता किया है उसके बाद 11-12 मुकदमे हैं और एक हमारा भी है। हमने ये 25 तारीख को उसने हमसे मारपीट की, 14 वसूल करता है, 10 साल से वो हमें परेशान कर रहा है। हम नॉर्मली बैठे हुए हैं तो हमें खींच लेना बाहर और मारपीट करना, हमारे पिताजी बैठे हुए हैं गाली गलौज करना, उनसे 14 वसूली करना, ये सब काम कर रहा है वो। और 25 तारीख को भी घटना हुई, उसने मारपीट की हमारे साथ बहुत। ये इसके ऊपर एक केस है 220/2005 धारा 302, 307, 506, 34। ये 2005 की घटना है, 2005 का मुकदमा है और एक मुकदमा है 2017 का, ये 96/17 धारा 307, 147, 148, 149, 323, 34। और एक ये 2002 का मामला है, 2002 से 2003 तक का, जिसमें इस पर 307 पुलिस मुठभेड़ है, पुलिस के साथ मुठभेड़ भी हो चुकी है। यानी कि पुलिस के साथ तक मुठभेड़ होने के बावजूद भी पुलिस इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। सबसे शर्मनाक बात तो ये है कि पुलिस प्रशासन क्या कर रही है इस मामले में भी, ये हमारे सवाल हैं। और इसके बाद देखिए 2006 से 2012 तक एक ये मुकदमा है 307 गांधीनगर गांधी पार्क। इसके बाद गुंडा एक्ट है और ये 2008 से 2016 तक इस पर तीन बार 307 धारा 307 लगी, 3 बार, एक सासनी के और एक जयगंज का मामला है, एक गंभीरपुरा का मामला है और एक इसमें भगवान नगर का मामला है। और इससे एक बहुत पहले का है 2001 से 2009 तक का, जिसमें इसमें 25 आर्म्स ये तमंचा मिले हैं इस पर। और इसके बाद है थाना GRP से मुकदमा है 2008 से 2015 तक और एक ये है केस नंबर 199/18 धारा 384, 147, 504, 506, 323, एक थाना गांधी पार्क की घटना है। तो ये हिस्ट्री शीटर है। मेरा केवल पुलिस प्रशासन से यही सवाल है कि वो
इस स्ट्रीट लीडर पंकज यादव पर कोई एक्शन लेगी या नहीं लेगी या लेना नहीं चाहती, क्या कारण है? आम आदमी इस तरीके से पिसता रहेगा क्या? क्या क्या करें हम? अपना व्यापार बंद कर दें, सब कुछ बंद कर चले जाएं, या क्या करें हम? अपने आप को मिट्टी पे छिड़क के मार लें, क्योंकि इस तरीके से तो हम जी नहीं सकते। जो हम रोजो मर रहे हैं हम नहीं जी पाएंगे इस तरीके से, क्या करें फिर? एकदम से मार लें, या तो पुलिस वाले कह रहे हैं हमसे कि भैया तुम सामने खड़े हो जाओ, तुम्हें गोली मार देगा, एक बार मर जाओ, क्या करें? मेरा बस यही सवाल है। सीसीटीवी फुटेज वगैरह प्रोवाइड करवाई गई है, जिसमें एक लड़का तमंचा चला रहा है और बाकी हाथों में लाठी डंडे और हॉकी लिए हुए हैं, क्या मामला है पूरा? थाना गांधी पार्क क्षेत्र में किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ, उस झगड़े की सीसीटीवी फुटेज मिल गई है, उसमें फायरिंग वगैरह और मारपीट की बातें दिख रही हैं। उस समस्त घटनाक्रम का संज्ञान लेते हुए तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, एक दोषी की गिरफ्तारी कर ली गई है और बाकियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। आशा है कि शीघ्र ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी और जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। आरोपी पंकज यादव के जो पिताजी हैं, क्या वो सरकारी वकील हैं? सर, कोई किसी भी पद पे हो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, प्रश्न ये है कि दोषी है अथवा नहीं है, इसकी विवेचना की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज देखा जा रहा है। अगर दोषी है और सीसीटीवी फुटेज में वो दिख रहा है तो उसके विरुद्ध अत्यंत सख्त कार्रवाई की जाएगी।